लव जिहाद पर सख्त कानून होने के बावजूद आए दिन लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक घटना इंदौर से सामने आई है, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक होटल में 3 जिहादियों को 2 हिंदू लड़कियों के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा। देश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद भी अपराध कम नहीं हो रहे। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक होटल में पहुंचे तो वहां पर जिहादियों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों के नाम तौहीद खान, फैजान खान, हैरी बताए जा रहे हैं और इन पर आरोप है कि इन्होंने 2 हिंदू लड़कियों को शराब और सिगरेट पिलाकर उनका शोषण किया। समाज में कितने भी लव जिहाद के कानून बन जाएं, लेकिन इन जिहादियों को सबक नहीं मिल रहा। इनकी जिहादी मानसिकता अपराध करने से बाज नहीं आ रही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खबर मिली थी कि हिंदू लड़कियों के साथ कुछ लोग होटल में हैं, वहां तौहीद, फैजान और हैरी हिंदू लड़कियों को शोषित कर रहे थे। आरोपियों ने पहले शराब पिलाई और फिर सिगरेट पिलाई, फिर नशे की हालत में उनका फायदा उठाया। बजरंग दल ने जब इनका नाम पूछा तो पहले इन्होंने हिंदू नाम बताए, फिर सख्ती करने के बाद इन्होंने अपने असली नाम बताए, जिसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।